हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने एसएससी सीजीएल 2017 का जो पेपर था उसका जो शिफ्ट वन थी, जो फर्स्ट अगस्त का, सॉरी 8 अगस्त का, उसके 25 क्वेश्चन में हमने चार क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए। यदि आपने देखा नहीं तो उसको जाके देखिए। ये हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें अगले चार क्वेश्चन अगले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। इसमें क्वेश्चन नंबर वन में ये बोल रहा है कि आपका ए बी और सी इसके बीच में आपका 3200 रुपए आपका डिवाइड किया गया किस रेशो में, ए बी और सी का रेशो 3:5:8 में। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक अप्रोच अपनानी पड़ती है कि आप बी और सी के बीच का डिफरेंस शेयर का पूछ रहे हैं, तो आप उनके बीच के पहले रेशो का डिफरेंस देख लीजिए। रेशो का डिफरेंस कितना है, 8-5 दैट इज 3। मतलब कि इनके बीच के शेयर का जो डिफरेंस है वो आपका 3 का मल्टीपल होगा। ये आपका 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, तो कभी आपको इस तरीके से दिया गया तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। पहले आप ये चेक कर लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, किसी भी चीज में दिया हो रेशियो का डिफरेंस। अब रेशियो का डिफरेंस देख के आप ये देखिए कि वो जो नंबर आ रहा है आपका उसका मल्टीपल होगा ही। तो आप देखिए कि आप 3 का मल्टीपल आपका ए बी और सी का जो शेयर का डिफरेंस है वो होना चाहिए। तो यहां पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो कि 3 के मल्टीपल है, बाकी 800 और 400 3 के मल्टीपल नहीं है। तो आपके दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आपके पास 600 और 900 दिया गया। तो हमारे पास और दूसरा कोई क्लू नहीं है जिसमें हम इन दोनों ऑप्शन से हम सेपरेट कर सके ऑप्शन को। तो आपको थोड़ा सा सॉल्व ही करना पड़ेगा फिर उसके लिए आपके पास। लेकिन आपको ये ठीक है, आप मतलब समझिए आपका टाइम कम बचा है, बिल्कुल 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, 30 सेकंड बचा हुआ है, आपको ये क्वेश्चन एकदम से आ गया। तो आप ऐसा करके दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप रैंडम गैसिंग भी मारेंगे तो आप दो कम से कम एलिमिनेट करके दो मारेंगे तो आपके जो तुक्का मारने की पॉसिबिलिटी आपकी 50% बढ़ जाएगी। ये बात आप समझिए इस चीज को। तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के शेयर का रेशो 3:5 और तीनों के शेयर का रेशो जो है 3:5:8 है। तो आप 3+5+8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, 3200। 16 इज रिप्रेजेंटिंग 3200, तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, 200। तो आपको बी और सी के शेयर का डिफरेंस ही है। तो आप यहां पर भी यदि पहुंच गए ना कि आप 1 आपका 200 रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख सकते हैं कि 200 का 3 × 600 ही होता है। तो यहां आप ज्यादा कैलकुलेट करके सीधे मार के आगे कर लेंगे तो 200 आया है और बी और सी के शेयर का डिफरेंस है आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 200 × ये जो डिफरेंस था 8-5 ठीक है 3 दैट इज 600, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स फैमिली इज 24 इयर्स। 5 मेंबर की फैमिली की जो एवरेज एज है वो कितनी है आपकी, 24 इयर्स। ठीक है, उस पे एक 8 साल का बच्चा भी इंक्लूडेड है जो कि यंगर वन है। यंगर मेंबर की कितनी एज है आपकी, 8 इयर्स। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगर मेंबर। जब वो पैदा हुआ था, सबसे छोटा वाला जो बच्चा है वो जब पैदा हुआ था तो फैमिली मेंबर्स की एवरेज एज क्या थी। तो पहले आप देख लीजिए 5 मेंबर की टोटल एज कितनी होगी, एवरेज इनटू नंबर ऑफ मेंबर दैट इज 24 × 5 दैट इज 120 इयर्स। ठीक है, अब 8 साल पहले की बात हो रही क्योंकि यंगर बेबी जब ये जो यंगर वन है ये जब पैदा हुआ था तो मतलब कि जब पैदा हुआ था तो क्या हुआ, ये 8 साल पहले पैदा हुआ था। तो 8 साल पहले एवरेज एज क्या थी वो कैसे निकालेंगे, 120 − 8 कर देंगे क्योंकि इसकी एज तो काउंट ही नहीं होगी क्योंकि ये तो जस्ट पैदा ही हुआ था। ठीक है, उस टाइम पैदा होने वाला था उस टाइम पे। ठीक है, और उसमें से आप माइनस कितना करेंगे क्योंकि 8 साल पहले की बात हो रही तो सबकी एज जो रहेगी, यदि आप यंगर वन को छोड़ देंगे कि हमने उसकी एज तो सीधे घटा दी क्योंकि उस टाइम वो पैदा ही नहीं हुआ था, तो बाकी 4 लोग की एज भी आपकी 8-8 साल कम होगी क्योंकि हम 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 8 × 4 120 − 8 −
32, that is 120 माइनस 80, दैट इज टोटल एज जो थी चार लोगों की वहां के फैमिली मेंबर्स की वो कितनी थी आपकी 80 इयर्स थी। चार लोग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यंगर वन उस टाइम पे बॉर्न भी नहीं हुआ था, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ बोला गया है, उसके जन्म के समय पे जब जन्म हो रहा था उसके उस टाइम पे बोला गया, उस टाइम पे सिर्फ चार मेंबर थे। तो आप देखिए आपके चार मेंबर की टोटल एज हो गई 80 अपॉन 4, क्योंकि उस टाइम से चार मेंबर थे, तो आपका आ जाएगा आंसर 20 इयर्स। यहां पे एक सावधानी वाली बात ये है कि आपको यहां 5 नहीं रखना है। कई लोग क्या सोचते हैं कि वो पैदा हुआ था तो वो इंक्लूड कर लेंगे और उसकी एज इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 5 नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन यहां दिया रहता है 16। अब 80 बटे 5 करेंगे 16 आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको यहां पे चार मेंबर्स लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि एक पेन की जो प्राइस है, ठीक है, वो डिक्रीज हुई है एंड डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, पेन की जो प्राइस है वो 20% कम हो गई है, तो ये बोला गया कि यदि हम सेम अमाउंट खर्च करें, मान लो मैं पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था पेन को खरीदने के लिए और प्राइस डिक्रीज होने के बाद भी मुझे कम पैसे रहेंगे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे मैं 100 ही रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो अब उस टाइम पे यदि प्राइस कम हो गई है तो उसी 100 रुपए में मेरे को ज्यादा पेन मिल जाएंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है, तो क्या बोला गया है कि सेम प्राइस में, ठीक है, या यहाँ पे प्राइस भी दी गई 100 रुपीज, किधर दी गई है नहीं लिखा है, ठीक है, फॉर 100 रुपीज, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 100 रुपए में 10 पेन ज्यादा आ जाते हैं, तो पूछा गया है कि न्यू प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब आपका एक्सपेंडिचर यदि सेम है तो आप थोड़ा इस चीज को देख लीजिए कि आपका एक्सपेंडिचर सेम है, तो आप देखिए पेन का प्राइस कितना हो गया 20% डिक्रीज, तो 20% डिक्रीज मतलब आपका कितना होगा, पेन का प्राइस पहले से 80% हो गया, तो आप 80% को कैसे लिख सकते हैं 4/5p प्राइस इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले भी एक्सपेंडिचर सेम था और बाद में भी सेम है, तो पहले एक्सपेंडिचर इतना था और बाद में एक्सपेंडिचर हम देख लेते हैं। ठीक है, यदि 4/5p हो गया, अब यहां पे देखिए आपके RHS में राइट हैंड साइड में आपका PQ आएगा जो पहले जो एक्सपेंडिचर था, अब पहले जो एक्सपेंडिचर PQ था, P × Q था, तो आप यहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आ जाए, तो सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/4q। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आप ये P से P गया, ये Q से Q गया। ठीक है, तो आप समझिए 4/5 × 5/4 = 1, ये ऐसा कुछ एक ऐसा बनेगा आपका। तो आप समझिए इस चीज को कि आप चाहे तो नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं काटिए, इस पर काम करिए। ठीक है, चीज समझने में थोड़ा सा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए कि आपका जो आपकी क्वांटिटी है वो कितनी होगी 5/4 q हो गई, पहले कितनी थी q थी, मानिए आपकी क्वांटिटी 4 से 5 हो गई। ठीक है, मतलब यहां कितना बढ़ा आपका, 1 बढ़ गया। ठीक है, तो आप 1/4 कितना इंक्रीज हुआ है, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, 1/4 मतलब 25% आपका इंक्रीज हुआ है, तो आप 25% इंक्रीज हुआ है, तो आप समझिए ये बोल रहे हैं कि आप 20 मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप 25% पेन, जितने आप पेन पहले खरीद रहे थे उससे 25% पेन ज्यादा खरीद सकते हैं, तो 25% पेन कितना बताया गया यहाँ पे, 10 पेन ज्यादा खरीद सकते हैं, तो 25% जितने नंबर ऑफ पेन आप खरीदे थे उसका क्या है 25% 10 पेन है, तो आपका 100% कितना हो जाएगा 40 पेन। मतलब ओरिजिनली आप कितने खरीद रहे थे, 40 पेन आप खरीद रहे थे ओरिजिनली। ठीक है, बाद में आप 100 रुपए में 50 पेन खरीदने लगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया आप ओरिजिनली, आप यहां पे आप देख लीजिए कि आपको बोला गया है कि आप ओरिजिनली आप कितने खरीद रहे थे, ओरिजिनली आप 40 पेन खरीद रहे थे। ठीक है, लेकिन
आप क्या करने लगे, आपको 25% एक्स्ट्रा पेन खरीदने लगे, ठीक है। तो मतलब जैसे आपकी क्वांटिटी 5/4 क्यू हो गई, सीधी सीधी बात है, ओरिजिनली आप 40 पेन खरीद रहे थे, अब आप कितने खरीदने लगे, 50 पेन खरीदने लगे, 10 पेन ज्यादा, कितने रुपए में, 100 रुपए में अमाउंट आपको दे दिया। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 100/50 पेंस, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 रुपीज। तो 2 रुपीज जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये आपका न्यू प्राइस हो जाएगा। आपका ओल्ड प्राइस कितना था, ओल्ड कितना था 100, लेकिन आप पहले कितने खरीदे थे, आप 40 खरीद रहे थे, तो आपका ओल्ड प्राइस कितना था आपका, 2.5 रुपीज। मैंने आपको ओल्ड भी बता दिया, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 40% फास्टर देन द कार, ठीक है। ट्रेन का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन मैं बोल दूं, ये आपका कितना है, ये आपका है 40% फास्टर, मतलब आपका 140% है, ठीक है, किससे, कार की स्पीड से, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, ये दिया गया है। ये दोनों ट्रेन और कार एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से निकलते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है, और आप समझिए इस पे एक चीज बोला गया कि सेम टाइम पे भी पहुंचते हैं, सेम पॉइंट से निकलते हैं, सेम पॉइंट पे पहुंचते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं जो कि दिया है 140 किलोमीटर, और सेम टाइम पे, मान लीजिए यहां से 5 बजे निकला और यहां 6 बजे, तो दोनों ही 6 बजे पहुंच रहे हैं, भले उनकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन उसमें कंडीशन दी गई है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड फास्टर है तो वो जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन वो भी उतने ही टाइम पे पहुंच रही है, क्यों, क्योंकि उसको जगह जगह स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है, तो स्टेशन पर रुकने का जो टाइम है 25 मिनट इज द स्टॉपेज टाइम दिया गया है, कि 25 मिनट तक वो स्टेशन में रुकती है, ठीक है, अलग अलग स्टेशन में। तो आपको यह निकालना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा समझिए यहां पे, कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ कार इज 7/5, क्यों बोल सकता हूं, सीधी सीधी बात है, यदि इसकी स्पीड 5 है तो इसकी स्पीड 7 होगी, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 2 इससे ज्यादा हो गई, तो 5 जो 2 है, 2 क्या है आपका, 5 का कितना है, 40%, ठीक। तो वही तो मैंने बोला है कि 5 से 7 हो गई उसकी स्पीड, क्यों, क्योंकि 5 का 40% 2 है, तो 2 जोड़ गए तो 7 हो गई, ठीक है। तो आप समझिए कि आपको टाइम जो लग रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन अपॉन टाइम टेकन बाय कार इज 5/7, ये आपको समझना है 5/7, वो होगा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। तो यदि आपकी स्पीड 7 है, ये आपका स्पीड जो होता है वो टाइम का इनवर्स होता है, सीधी सीधी बात, जितना ज्यादा स्पीड होता है कम टाइम लगेगा, जितना ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखिए ट्रेन का स्पीड 5, मैं आपको यहां इस रेशियो को आप रिवर्स कर देंगे तो आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा दोनों को मिलकर। आप यहां पे समझिए कि इन दोनों के टाइम में सिर्फ 2 का यहां डिफरेंस है रेशियो में, तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है, इनके बीच का डिफरेंस। और आप देखिए यदि ये दोनों ट्रेन यहां से चालू करती है, यहां सेम टाइम पे आती है, कार और ट्रेन दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन कार क्योंकि जो कि ट्रेन की स्पीड फास्ट है तो वो जल्दी पहुंचना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 25 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि 25 मिनट वो रुक रही है, वो सिर्फ इंडली स्टेशन पर रुक रही है। तो आप वो जो 2 मिनट है वो आप किसको रिप्रेजेंट, 2 इधर का जो रेशियो का आपका 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 25 मिनट को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा आपका 12.5 मिनट्स को, ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो आप यहां पे थोड़ा सा देखिए कि 1 रिप्रेजेंट करेगा 12.5 मिनट्स को, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन का टाइम कितना होगा आपका, 5 × 12.5, दैट इज 62.5 मिनट्स, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। अब आप यहां देखिए एक चीज, आप देखिए कि मतलब 1 आवर और 2.5 मिनट्स, 1 घंटा और 2.5 मिनट, आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आपको डिस्टेंस ट्रेन कितनी कवर कर रही है, 140 किलोमीटर दोनों ट्रेन और कार, यहां पे लिखा हुआ है कि दोनों ही 140 किलोमीटर आप कवर कर रहे हैं, ठीक है, यहां
यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख नहीं पाया, 140 किलोमीटर दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम ट्रेन को कितना लग रहा है, 62.5 मिनट। आप इसको यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो 140 अपॉन 1 आवर 2.5 मिनट, ठीक है। 2.5 मिनट बहुत छोटी क्वांटिटी है एक घंटे के करेस्पॉन्डेंस। तो आप यहां पे देखिए, यदि इसको एक ही घंटा लगता तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती, इसकी स्पीड हो जाती 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि इसको एक घंटे से थोड़ा ज्यादा लग रहा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी लेस देन 140 किलोमीटर पर आवर। आप यहां पे देखिए कि और स्पीड ऑफ ट्रेन लेस देन 140 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे सिर्फ 2 ही मिनट ज्यादा ले रही है, तो थोड़ा ही होगा। मतलब आप समझिए कि 135 से आपका जो होगा 140 के, या सॉरी 130 से 140 के बीच का ही कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो आप यहां पे देखिए कि क्योंकि टाइम जो ज्यादा ले रहा है 2.5 मिनट, आप यहां देखिए 67 बहुत ज्यादा कम है, 145 140 से ऊपर है, 160 140 से ऊपर है, यही एक आपका ऐसा ऑप्शन है जो कि 130 से 140 के बीच में है। And this is your correct answer. You need not to convert into. अब आप इसको फिर convert नहीं करने बैठ जाओगे आपकी, या इसको आप minute में convert करो या hours में convert करो, फिर divide करो, फिर निकालो। आपको सीधा देखना है कि 130 से 140 के बीच आना चाहिए। 67 बहुत कम है, 145 बहुत ज्यादा है, 760 भी 140 से ज्यादा है, और आपकी स्पीड 140 से थोड़ा कम होनी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक सर। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें बोल रहा है एक मनी का सम जो है, मतलब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 3 times हो जाता है, अपने खुद का 3 times हो जाता है इन 5 years, ठीक है, 5 साल में खुद का 3 times हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो अपना अपने अमाउंट का 5 times, मतलब कि 5 times ऑफ प्रिंसिपल कितने ही रन होगा। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये अपने अमाउंट में 3 times हो रहा है, ठीक है, मतलब कि 2 times ये 5 years में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट इस पे लग रहा है तो 2 times से 5 years में बढ़ जा रहा है, तो 4 times से कितना बढ़ेगा, ये 2 times इंक्रीज है, याद रखिए 2 times हो नहीं रहे, 2 times इंक्रीज है, मतलब पी प्लस 2 ये बन रहा है 5 years, तो 4 times कितना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आपका 10 years, ठीक है, 4 times बढ़ेगा। तो आप 4 times बढ़ेगी अपने अमाउंट को, तो अपने अमाउंट का 4 times बढ़ जाना मतलब ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 times ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अपने अमाउंट का 5 times कितने टाइम में हो जाएगा, तो द करेक्ट आंसर इज 10 years, ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है 10 years, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशन दिया हुआ है x + 1/x = 2, तो आपसे पूछा गया है x^64 + x^121 = what, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि इस टाइप की इक्वेशन जो आती है ना, जब ये आपका ये दिया हुआ है, जैसे बहुत सारे, मैं आपको एक और बता देता हूँ, x + 1/x = 2 दिया हुआ है, तो यूनिवर्सली x का मान 1 होगा, क्योंकि सिर्फ x = 1 के लिए ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, 1 + 1/1 = 2, इसके अलावा किसी और x की वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आपका यहाँ से x = 1 ही आता है, और आप 1 की पावर कितना भी लगा लें वो 1 ही रहता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2, इट इज ऑप्शन नंबर 3। अब एक चीज और समझ लीजिए, ऐसे ही इस सेम टोन में x + 1/x = यदि आपका √3 होता है, ठीक है, x + 1/x = यदि आपका √3 होता है, तो मैं यहां बता देता हूं एक और कॉन्सेप्ट आपको। यदि x + 1/x = √3 होता है, तो इस केस में आप देखिए आपके जितने भी क्यूबिक पावर्स है, x³ + 1/x³ = 0, x^6 + 1/x^6 = 0,
एक्स पावर नाइन प्लस वन बाई एक्स पावर नाइन इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। ये बात भी आप याद रखिए। तो यदि आपको कभी इस तरीके से ऐसे दे देता है कि ये है और इसका मान बताओ, तो आप समझ जाइए कि वो आपका जीरो ही होगा। समझिए, जितनी क्यूबिक पावर आपकी बढ़ती जाती है वो सारी सारी जीरो हो जाती है। तो ये एक अनदर कॉन्सेप्ट है, माइंड में रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू रूट सिक्स। ठीक है, तो आपसे मान जो पूछा है, आपसे वैल्यू जो पूछी है, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप इसमें थोड़ा सा समझिए ये क्वेश्चन को, कि आप ये मत करिए कि आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें। आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो आपको आंसर ज्यादा मतलब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको देखिए आप यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर्स वगैरह है, तो यहाँ पे आप जाके फंस जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट थ्री स्क्वायर प्लस। तो जनरली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यही किया जाता है कि इस टोटल टर्म का स्क्वायर बनाया जाता है। ठीक है, इस टोटल टर्म का हमको स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू। तो आपको स्क्वायर कैसे बनाना है, ये आप ये अंडर रूट वाली टर्म से देखेंगे। इसको आप स्प्लिट कर दोगे तो रूट थ्री इंटू रूट टू आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन होता है ये कैसा एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आपको ये समझ रहे हैं कि आपको ए और बी की वैल्यू आपको इस अंडर रूट वाले टर्म से ही मिलेगी। आपको यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फाई कराना उसको ब्रेक करके, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू एक्स की आ जाएगी, दिस विल बिकम रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, तो अभी आपको ये वैल्यू यहां पे आ गई है। आपसे पूछ रहा है अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, देन यू हैव टू डू इट। ठीक है, मैं ऊपर कर लेता हूं इसको सिंप्लीफाई। तो आपको अभी तक मिल गया है एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर। हाँ, तो ये सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे ये लिखा था सिक्स प्लस टू रूट सिक्स लिखा हुआ था ना। तो आप रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे और रूट टू का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर टू रूट थ्री इंटू रूट टू करेंगे। तो आप देखिए ये थ्री से आएगा ये थ्री और ये हो जाएगा टू, लेकिन आपका और ये हो जाएगा टू रूट सिक्स। ठीक है, तो आपका थ्री और टू आ रहा है, तो आपका यहाँ एक बच रहा है। तो ये आपका एक्स इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, वो वहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो गलती हो गई थी एक्चुअल में। तो रूट थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस वन आ गया। आपसे क्वेश्चन में बोले तो आप देखिए यहां पे एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट थ्री प्लस रूट टू। अंडर रूट एक्स माइनस वन कितना आ जाएगा आपका, रूट थ्री प्लस, तो सॉरी ये हो जाएगा स्क्वायर, ये रूट थ्री प्लस रूट टू ये आ जाएगा। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो आपको पहले क्या करना, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेना। तो ये आप इसको दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन, यही आएगा। ये अंडर रूट के बाहर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन। यदि सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन, ये आपका आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। करने के बाद में आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा x अपॉन रूट एक्स माइनस वन, करेक्ट। अब आपको मिल गया है x अपॉन रूट एक्स माइनस वन, जो कि आपकी इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। आप यहां पे x की वैल्यू रखते जाइए, तो मैंने आपको बताया था x माइनस वन की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, रूट थ्री प्लस रूट टू। ठीक है, करेक्ट है ना। तो आपकी x की वैल्यू यहां पे क्या है, सिक्स प्लस टू रूट सिक्स। मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं इसको रखूंगा यहां 6 प्लस टू रूट सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी है आपकी, ये तो ये रूट थ्री प्लस रूट टू। आप इधर से थोड़ा सा कॉमन निकालेंगे टर्म्स को, आप दो को बाहर निकाल लीजिए पहले। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका, दिस विल बी थ्री प्लस
रूट सिक्स करंट, ठीक है, रूट थ्री प्लस रूट टू, ठीक है। आप इसमें से रूट थ्री और बाहर निकालेंगे यदि आप, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, टू रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस रूट, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा टू रूट थ्री, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर टू रूट थ्री दिया गया है, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको सिंप्लीफाई वर्जन और सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस पर बोला गया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27, तो आपसे पूछा गया है a माइनस 7 का क्यूब, ठीक है, प्लस बी माइनस 9 का क्यूब प्लस सी माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a माइनस 7 इंटू बी माइनस 9 इंटू सी माइनस 11, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जनरली आपका एक फॉर्मूला है एलजेब्रा का, उस पर आधारित होता है, और इसका मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम टाइम इसका आंसर जीरो आता है, मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 90 टाइम्स इसका आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। एलजेब्रा का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3abc व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आप a और b, a b c मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, आपके वेरिएबल है। अब मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं a माइनस 7 प्लस बी माइनस 9 प्लस सी माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे देखिए कि 7, 9, 7, 16 और 1, 17, 10, 27 पूरा एडजस्ट हो गया। तो आप समझिए कि ये टर्म्स का सम आपका जीरो आ रहा है, तो आपकी ये टर्म्स यदि इस एक्सप्रेशन में रखी जाएंगी तो इसका जो वैल्यू है वो भी जीरो आ जाएगा। मैं आप ए बी सी के जगह मैं एक्स वाई जेड लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप देखिए, आप a इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y, ये हो जाएगा आपका z। आप थोड़ा सा इस इक्वेशन पे गौर करिए तो आपको समझ में आएगा कि x प्लस y प्लस z क्या है, यहाँ पे जीरो है। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज माइनस, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इज इक्वल टू इसके बराबर है। तो यदि इसको इस साइड ले आओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और यहां हो जाएगा जीरो। तो माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर यहां पे जीरो हो जाएगा। 100 में से 90 केसेस में इसका आंसर ना इसी तरीके से जीरो रहता है। तो यदि आपको कभी कम टाइम बचता है तो आप सीधा जीरो मारिए और आगे निकलिए, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू इधर उधर से आ जाए या जीरो ना निकले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहां पर एक्स की वैल्यू दी गई है 2√15 अपॉन √3 प्लस √5, और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा गया, एक्स प्लस √5 अपॉन एक्स माइनस √5 प्लस एक्स प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आप ये लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, रूट 15 को कैसे लिख सकते हैं आप, रूट 5 इंटू रूट 3। अब मैं यहां ले लेता हूं एक्स बाई रूट 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2√5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। कॉम्पोनेंट डिविडेंड क्या कहता है आपका, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का जो रूल है ये हम यहां पर लगाएंगे और इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस रूट थ्री, ये कितना हो जाएगा आपका 2√5 प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन 2√5 माइनस √3 प्लस √5, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू आप थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3√5 + √3 अपॉन 2√5 - √5 हो जाएगा, √5 - √3। ठीक है, तो आप समझिए कि आपकी जो ये वैल्यू आ गई फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसके यहां लिख देता हूं एक बार ऊपर पे। ठीक है, ये कितनी आएगी यहां पे, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल, यदि आपको मैंने बता दिया ये कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2√5 + √3 अपॉन √5 - √3। ठीक है, हाँ, तो इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3√5 + √3 अपॉन √5 - √3। वैसे आप x by इधर पे आप देखिए root 5 को नीचे ले आएंगे तो x by root 5 equal to 2√3 upon √3 + √5 हो जाएगा। इस पे आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x + √5 upon x - √5 = 2√3। ठीक है, प्लस √3 + √5 upon √3 - √3 + √5। ये कितना जाएगा आपका, ये टोटल आ जाएगा 3√3 + √5 upon √3 - √3, तो हो जाएगा √3 - √5। चलिए, तो अब इसकी फाइनल वैल्यू यहां पे मैं एक बार और लिख देता हूं ऊपर। इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपकी x + √5 upon x - √5 की 3√3 + √5 upon √3 - √5। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सम करना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, √3 - √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी √3 - √5 कर लेंगे तो आप ये थोड़ा सा यहां पे माइनस आने जाएगा, माइनस साइन इसके आगे जाएगा। यदि आप इसको लिख दें √3 - √5, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा। आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3 + √5 upon √3 - √5 + फिर आपका हो जाएगा ये माइनस, तो प्लस के बाद आप ये माइनस, फिर इसका कितना हो जाएगा 3√5 + √3 upon √3 - √5। ठीक है, आपका डिनोमिनेटर आपका सेम ही है तो आप इस पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 + √5 - √3 upon √3 - √5। ठीक है, तो देखिए 3√3 - √3 कितना हो जाएगा आपका 2√3, 5√5 - √3 कितना हो जाएगा 2√5 upon √3 - √5। ठीक है, ये इतना आपका हो जाएगा। आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको दो कॉमन निकालोगे आप यहां बाहर तो ये आपका ये कटेगा और ये आपका कट जाएगा, ये आपका बचेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2। सो यहां पर हमने 13 क्वेश्चन आसपास कर लिए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, एंजॉय लर्निंग, हैव फन, बाय बाय।